उज्जैन में आज से पंचकोशी यात्रा की शुरुआत हो गई है। 118 किलोमीटर की पैदल यात्रा में शामिल होने के लिए सुबह से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं ने उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर से बल लेकर यात्रा की शुरुआत की है। 5 दिन की इस यात्रा में 1,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। प्रशासन ने यात्रा को लेकर कड़ी तैयारी की है। उज्जैन में आज से 118 किलोमीटर की पैदल यात्रा पंचकोशी यात्रा की शुरुआत हो गई है। जिले भर से श्रद्धालु पंचकोशी यात्रा में शामिल होने के लिए एक दिन पहले उज्जैन पहुंच गए। यात्रा की शुरुआत आज कुदरी चौराहा स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर से हुई। पंचकोशी यात्रा में शामिल होने के लिए आए श्रद्धालुओं ने नागचंद्रेश्वर मंदिर से बल लिया, जिसके बाद अगले पड़ाव के लिए बढ़े। 5 पड़ाव 118 किलोमीटर की इस यात्रा में 1,00,000 श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान जिला प्रशासन ने लगाया है। इस यात्रा में 5 दिन के लिए घर से कपड़े और खाने की सामग्री की पोटली सिर पर रखकर तपती धूप में पैदल चलने के लिए महिला पुरुष निकलते हैं। इस यात्रा के लिए जिला प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था कर रखी है। साथ ही इस यात्रा के बीच में आने वाली शनिश्चरी अमावस्या के स्नान को लेकर भी जिला प्रशासन ने कड़ी तैयारी कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, HMTV लाइव। खुशी है और आज क्या मान्यता पंचकोशी यात्रा की? ये यात्रा का महत्व ही दसवीं वैशाख मास की दसवीं को यात्रा का प्रारंभ का है और ये तिथि से ही यात्रा चालू करना चाहिए। वैसे जनता एक दिन पहले निकल जाती है सुविधा अनुसार, ठीक है, वो भी प्रशासन के लिए ठीक रहता है। तो तिथि अनुसार आज दसवीं को यात्रा चालू हुई तो तिथियों के हिसाब से यात्रा आगे बढ़ती है। तो दसवीं, 11, 12, 13, 14 और अमावस्या को ये यात्रा उज्जैन में आके और नहान होता है। इस बार ऐसा महासंयोग बैठा है शनिचरी अमावस्या, वो जनता अलग आ रही है, जनता अलग, तो उज्जैन में एक सेहत नज़ारा देखने को मिलने वाला है। ये लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा रहती है और क्या बल वगैरह? जैसे ये आधिकारिक तौर पर तो 118 किलोमीटर है, उसमें एक छोटी यात्रा और उड़की पंचकोशी यात्रा जो आज तीर्थ होती है वो 20-25 किलोमीटर और टोटल 150 किलोमीटर यात्रा, ये विश्व की सबसे बड़ी यात्रा कहलाती है। ये वैशाख मास में होती है। नागचंद्रेश्वर की क्या मान्यता है, क्या अर्पण करते हैं? नागचंद्रेश्वर महादेव का नाम, एक नाम बलदेव महाराज भी है, शक्ति प्रदाता, जो अश्व बल देते हैं चलने के लिए। घोड़ा सर का बल या भक्त लोग श्री बल चढ़ा के बल मांगते हैं, एक श्री बल हर भक्त को चढ़ाना होता है, फिर वो बल मांगते हैं, उनके अंदर बल आ जाता है, अश्व पावर। वो 5 दिन तक घोड़ा सर का दौड़ लगाते हैं और वापसी में जब आएंगे तो प्रतीक रूप में घोड़ा चढ़ाने का महत्व है, तो मिट्टी का एक घोड़ा चढ़ा के ये अपनी यात्रा पूर्ण करेंगे। आपका नाम बताएं? राजेश गुरु।